ओके सो नाउ वी हैव सीन साइन रूल. तो साइन रूल में देखो एक फटाफट रिवाइज कर लेते कि हमने क्या किया था कल. ठीक है यस. तो साइन रूल में वी हैव टू प्रूव दैट दिस रेशियोज आर इक्वल टू 2r वेयर r इज द सर्कम रेडियस. ठीक है मैंने क्या बोला था सर्कम रेडियस कौन है ऐसा रेडियस ठीक है जो ट्रायंगल में भी आता है और सर्कल में भी आता है. ठीक है तो ऐसा कुछ रेडियस हमने निकाला था. तो सबसे पहले तो आप ट्रायंगल अज्यूम करो कोई भी ट्रायंगल अज्यूम कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल. तो मैंने स्केलिन ट्रायंगल ले लिया. देन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन इट. ओके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. उसके बाद एक जो एक पार्ट हो जाता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल के दो पार्ट्स हो जाते हैं. तो आई हैव जस्ट टेकन वन पार्ट. ओके एंड आई हैव अप्लाइड द साइन रूल देयर कि साइन ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके दैट गेव मी एडी इज इक्वल टू बी इक्वल्स बी साइन सी. फिर हमने एरिया निकाला. सो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो मेरे पास बेस था बी सी एंड हाइट था ए डी. अभी ए डी का मैंने ऑलरेडी निकाला बी साइन सी एंड बी सी इज नथिंग बट दिस फुल साइड ए. ओके दैट इज वाई वी गॉट सो दैट इज वाई वी गॉट टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ए बी साइन सी. अभी ये रिजल्ट आने के बाद मैंने क्या किया इसको सिमिलरली कर दिया. तो ये मैजिकल वर्ड यूज किया सिमिलरली एंड आई हैव रिटन टू टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी इज ए सी साइन बी एंड बी सी साइन ए. तो दीज थ्री रिजल्ट आई हैव गॉट जिसका एल एच एस पार्ट सेम है मुझे आर एच एस पार्ट इक्वेट करना है. सो आई हैव इक्वेटेड द आर एच एस पार्ट देन डिवाइडेड थ्रू आउट बाई ए बी सी एंड आई गॉट दिस रेशियो. इसका रेसिप्रोकल ले लिया मुझे फाइनल रेशियो मिल गया जो कि मेरा 50% है. ठीक है 50% या फिर आप 80% कुछ भी मेन जो पार्ट है आपके थ्योरम का वो सफल हो गया. ठीक है इसके बाद हमको क्या प्रूफ करना है कि कोई भी एक रेशियो इज इक्वल टू 2r. सो फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड एन अ ट्रायंगल विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. ओके to prove that each ratio is 2r we assume or we know that the angles sum of angles is 180 so at least ek aisa triangle hoga jo 90 nahi hai. okay 90 nahi hone ke karan I can construct this abc like this. okay maine ek triangle bana diya and then because it is not 90 degrees so I will make a diameter from it. डायमीटर बनाया ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायमीटर से मुझे क्या मिला एक नया ट्रायंगल मिला एसीपी जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल. दिस इज अ सेमी सर्कल इंस्क्राइब किया है इसीलिए 90 डिग्रीज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल था. फिर ये जो दो आर्क्स मैंने बनाए दीज एंड दीज आर सेम बिकॉज दे आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. So these angles are same, okay? That is why measure of these angles are also same. अभी हमने बस थोड़ा सा manipulation किया. क्या? पहले मैंने sin p निकाला. That is opposite upon hypotenuse, b upon 2r. अभी अगर p से मुझे b upon 2r मिल रहा है, तो sin b को मैं just replace करूँ. And that is why I get b upon sin b is equal to 2r. Now, from using 1 and 2, I can prove it. Okay. So this was a very quick revision of sign rule. जिन्होंने लिखा है अभी आपको और ज्यादा confidence आएगा. ठीक है yeah. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो एक sum solve करेंगे sign rule पे. क्या हुआ सो गए? Okay. ठीक है सो एक सम सॉल्व करेंगे साइन रूल पे. ठीक है देखो पढ़ो क्या है सम.
और सोचो कि क्या कर सकते इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू थ्री एंड साइन ए इज इक्वल टू टू बाई थ्री देन फाइंड हम लोग इसको इक्वेट करेंगे ए बाई साइन ए अपॉन बी बाई साइन ए, तो उधर से हम लोग को ना साइन बी का वैल्यू मिलेगा, उधर से हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे. Yes, correct. It is very simple and मतलब एकदम straight forward question है. ऐसे questions ज़्यादातर आते नहीं है, but yes, just to you know get the feel कि हाँ sine rule है और मुझे use करना है ऐसे. So I can write down. Solution by sine rule. ठीक है, अभी साइन रूल तो बहुत बड़ा है, बट मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल भी कल बताया कि आप उसको चाहे जैसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख के यू कैन यूज इट. तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी का बात हो रहा है, राइट, साइड्स में भी और एंगल्स में भी. तो सिर्फ उतना ही लिखो, दैट इज ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, बस इतना ही लिखो. इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू टू आर लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको लिखना है यू कैन राइट, बट उसका कुछ यूज नहीं होगा बिकॉज सी और आर दिया भी नहीं है, फाइंड आउट भी नहीं करना है. ठीक है, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस मच, ओके, एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट नाउ. सो दिस इज टू, दिस इज साइन ए टू बाय थ्री, दिस इज थ्री एंड साइन बी. मुझे बताओ साइन बी कितना है? 90 डिग्री. बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन बी 1 आएगा. या साइन बी 1 आएगा, वेरी गुड, एंड बी इज 90 डिग्री, करेक्ट, एकदम सिंपल, जैसे कि मैंने कहा, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, हम लोग और नहीं समझा. ओके, देखो ये 1 कैसे आया, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ओके, सी या सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन बी अननोन है तो उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और इनटू टू भी है इक्वल्स टू टू बाय थ्री इनटू थ्री, तो थ्री थ्री कैंसिल, अभी ये टू यहाँ पे चला जाएगा, वन आ जाएगा. ठीक है, तो अभी साइन थीटा वन कहाँ पे होता है? 90 डिग्रीज पे. या फिर आप ऐसे लिख सकते हो b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, दैट इज b इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, समझा? यस मैम. ओके, ठीक है, तो हम लोग और सम सॉल्व करने वाले हैं, साइन एंड कोसाइन. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे दोनों रूल्स आपको साथ में यूज करने पड़ते हैं, सो वी आर गोइंग टू सी दैट नाउ. बट उससे पहले साइन के बड़े भाई या फिर साइन के छोटे भाई को मिल लेते हैं, दैट इज कोसाइन. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये उसका बड़ा भाई लगता है या छोटा भाई लगता है. ठीक है, हम छोटा वाला, छोटा वाला, ठीक है, ओके, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं. सो एसओटी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड हीरो है, उसको बोलेंगे हम कोसाइन रूल. अभी देखो, हाँ, कोसाइन रूल सुशील ने तो कहा कि ये छोटा भाई है, बट आपको तीन तीन चीजें प्रूफ करनी है इसमें. ओके, सो क्या क्या है, देखो, इन ट्रायंगल एबीसी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बी, एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी. ओके, तो सबसे पहले तो मैम एक पैटर्न में दिए. हाँ, राइट, करेक्ट, वही बोलने वाली की. सबसे पहले तो आपको ये पैटर्न समझना चाहिए, क्यों? क्योंकि याद तो रहे ना कि अगर मुझे अप्लाई करना है ये रूल, तो पैटर्न याद रहना चाहिए. देखो पैटर्न क्या है, पहले ये समझते हैं. अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो आपका बाकी दो टर्म्स बी स्क्वायर में आएगा. जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखते हो, वैसे ही ऑलमोस्ट. ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये एक्स्ट्रा आएगा,
जो स्क्वायर कर रहे हो आरएचएस साइड में वही 2BC लिखो, और जो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है वो एंगल आएगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेम है, बी स्क्वायर है तो यहाँ पे बी एंगल आया, फिर राइट हैंड साइड में जो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है वही 2 के साथ आया और बीच में माइनस साइन, राइट? तो पैटर्न समझा है? यस हाँ, मैम। ये पैटर्न याद रखना है। और एक चीज हमें करनी है, यस। तो ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, एक ट्रायंगल मैंने बनाया है जिसका ए वर्टेक्स, अभी ये मेरे ऊपर है, मुझे ए बहुत पसंद है तो मैंने ए को 0.0 पे ले लिया। ठीक है, ए को 0.0 पे ले लिया। अगर आपको चाहिए तो आप बी को 0.0 पे लो, तो वो ये ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसा उल्टा हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, राइट? हाँ, अगर सी को 0.0 पे लिया तो वापस रोटेट हो जाएगा, बट एबीसी का पोजीशन चेंज होगा और कुछ नहीं, शेप तो वैसे ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो मैंने ए को, ए पॉइंट को 0.0 ले लिया। अभी हमको पता है ये ए है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है। तो सी एंगल के सामने वाली साइड है सी, ए एंगल के सामने वाली साइड है ए, और बी एंगल के सामने वाली साइड है बी। ये तो पता है एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, यस मैम। यस मैम। यस। अभी अगर ये 0.0 है और इतना डिस्टेंस सी है, तो ये इसीलिए मैंने बी का कोऑर्डिनेट सी कॉमा 0 लिख दिया, चलेगा? यस यस मैम। हाँ, ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस पे ही आएगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे अगर मेरा 0 से लेके ये पॉइंट तक डिस्टेंस सी है, सी साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सी कॉमा 0 एक्स कॉमा वाई। ए और बी समझा कोऑर्डिनेट्स? यस यस मैम। एवरीवन पुट इट इन द चैट इफ यू नो और इफ यू अंडरस्टूड ए एंड बी कोऑर्डिनेट्स। मैम, विल यू रिपीट दिस? या श्योर। देखो मैं क्या बोल रही थी कि मैंने ए को अज्यूम किया है एट 0.0। ये प्रूफ का पार्ट नहीं है बट स्टिल आई एम राइटिंग सो दैट यू विल रिमेम्बर कि आई विल राइट इट इन अ डिफरेंट वे, कि अज्यूम वर्टेक्स ए, ठीक है, वर्टेक्स ए एट 0.0। मैंने ओरिजिन पे एक ईज ऑफ यू नो इजी वे में मुझे ये सोल्यूशन या फिर थ्योरम डिराइव हो सके, इसीलिए 0.0 पे मैंने अज्यूम किया। इसके बाद मुझे पता है डिस्टेंस, देखो अगर ये ए है तो मैंने ये वाला बी अज्यूम कर लिया, और ये वाला सी अज्यूम कर लिया। आप उल्टा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, ए बी सी। अभी हमको ये पता है कि ए अगर एंगल है तो उसके अपोजिट साइड को हम लोग ए स्मॉल ए से लिखते हैं, करेक्ट? अगर सी है तो सी के अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल सी से लिखते हैं, अगर एंगल बी है तो उसके अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल बी से लिखते हैं। ये मैंने कल ही बताया था, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल और ये ऐसे ही होता है कंपल्सरी। ठीक है, अभी अगर अगर ये 0 है और ये एक पॉइंट है और इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है सी, तो क्या मैं मतलब ये पॉइंट सी एट द डिस्टेंस सी पे है, तो क्या मैं बी का कोऑर्डिनेट लिख सकती हूँ सी कॉमा 0? यस मैम। यस निखिल, यस, इट वाज वेरी सिंपल। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल वाला पार्ट था जो मैंने बताया कि अगर अज्यूम ए एट 0.0 सो देयर फोर बी वर्टेक्स विल बी सी कॉमा 0। ये हो गया। अभी हमको सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए, सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जिसमें कॉस और साइन आ रहा है। ये भी एकदम इजी है, आप समझ जाओगे फटाफट। तो एक्चुअली ये पॉइंट अगर मुझे चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट,
तो ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, इतना दूर, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, इतना दूर, करेक्ट। तो ये जो y एक्सिस और इस पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को, अभी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो मैं इसको x पकड़, ठीक है, चलेगा? Yes, yes, और ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो मैं इसको y पकड़, मगर इसको वेक्टर से रिजॉल्व करेंगे ना, तो b sin theta b cos theta। हाँ, वेक्टर से रिजोल्व करो, नहीं तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, देखो ये वाला ट्रायंगल, और एंगल ए अज्यूम करो कि एक एंगल है मेरे पास ए, राइट, तो अगर मैं साइन ए लिखू तो क्या लिखोगे साइन ए के लिए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ बताओ y अपॉन b, हाँ y अपॉन b, a नहीं आएगा, a इज अ स्लैंटिंग साइड, आपको हाइपोटेन्यूस ये अपोजिट साइड स्ट्रेट चाहिए ना, राइट एंगल वाला, y अपॉन a, y अपॉन b सॉरी, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, एंड अगर मैं cos a लिखूं तो AC upon B, ठीक है, करेक्ट, ओके। अभी ये तो आ गया एकदम इजीली, मुझे y चाहिए था, ठीक है, y, तो मैं y को लिख सकती हूँ B sin A, देखो, राइट, यस मैम, हाँ। अभी यहाँ पे आपने AC बताया, ओके, नो प्रॉब्लम, बट AC और ये जो X है ये पैरेलल है ना रे? यस मैम, तो सेम अपोजिट साइड से लिखो, यस, तो इसको मैं X अपॉन B लिखू, चलेगा? यस मैम, अभी देखो मुझे X भी मिल गया, देयरफॉर X इज इक्वल टू B cos A, आ गया B cos A, तो इस तरह से यूजिंग द ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज एंड ट्रायंगल एवरीथिंग, ये कुछ नया नहीं है, ये आपने बहुत बार किया है इन 11th स्टैंडर्ड, करेक्ट, तो उसी से मुझे सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गया, सो आई विल राइट डाउन हियर कि बाय यूजिंग ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, अभी इसका नाम तो मैं, मतलब आप कुछ भी दो, ऐसा कुछ नहीं, ये जस्ट आपके समझने के लिए, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मुझे सी का कोऑर्डिनेट्स मिला, बी कॉस ए एंड बी साइन ए, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो ये डायरेक्टली दिया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट डाउन, ओके, डायग्राम बना लो और रफ में पेंसिल से ये सब कुछ लिख, फिर हम लोग एक्चुअल थ्योरम को स्टार्ट करते हैं, जो कि एकदम छोटू सा है, एकदम छोटू सा, please let me know after you are done. Yes ma'am. Done? Okay. सिर्फ डायग्राम बोला मैंने प्रॉपर में, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं.
डन? यस मैम. ओके ठीक है. सो देखो मैंने क्या किया अभी, 1 2 3 ये तीनों तो प्रूफ करने ही है. ओके ये तीनों भी प्रूफ करने ही है, बट मैं तीनों एक साथ नहीं करूंगी, मैं 1 1 1 करूंगी. ठीक है, तो मैं पहले, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्रूफ करना है मुझे, फर्स्ट इक्वेशन वो ले लिया कॉस का, वेयर कॉस ए इज माय यू नो मेन एंगल, मेन हीरो एंगल. तो इससे मैंने ए को वर्टेक्स पे लिया है. ठीक है, जहां पे आपको कॉस ए दिखेगा इसलिए आप ए ओरिजिन पे लोगे, ए वर्टेक्स ओरिजिन पे. अगर कॉस बी है तो बी वर्टेक्स ओरिजिन पे. ऐसे सो मैंने सिर्फ एलएचएस लिया, एलएचएस में है ए स्क्वायर. ठीक है, क्या है एलएचएस में, ए स्क्वायर. अभी ए कौन है, ए एक्चुअली कौन सी साइड है, साइड अपोजिट टू ए एंगल. हाँ दैट इज बीसी ना एक्चुअली. यस मैम. हाँ बीसी साइड है. ठीक है, तो अभी बीसी मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला से बी और सी के बीच में मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला और स्क्वायर है तो जो स्क्वायर रूट होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला का वो निकल जाए. तो सिर्फ ब्रैकेट्स लिखो, दैट इज क्या आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, सी माइनस ई माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस बी साइन ए का होल स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस आएगा, जीरो माइनस बी साइन ए का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है. सो दिस इज फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके बट बी सी स्क्वायर बोला, ठीक है, इसीलिए वो स्क्वायर रूट साइन अपने आप निकल गया. और स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म्स हमने सीख लिखी. सो मतलब कैसे, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वाई वन माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, जो हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला वो. अभी हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से एक्सपांड करेंगे. ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, ये एक्सपांड कर दिया और ये तो जीरो माइनस बी साइन ए है, तो ये क्या बनेगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए. राइट मैम, अभी वो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा वन. यस, तो इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, देखो सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, ये तो आपका ऑलमोस्ट 90% आ चुका है आरएचएस का. अभी बस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या मिलेगा आपको, करेक्ट. सो दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर इन टू वन. देयरफॉर आई कैन राइट डाउन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, और आर एल एच एस में तो है ही. नाउ दिस इज इक्वल टू आर एच एस, करेक्ट. हेंस प्रूव्ड. इजी ना? यस मैम. यस बताओ मैम, बी स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर कैसे है, जरा बताएंगे क्या बी स्क्वायर. अच्छा कौन सा वाला, एक मिनट, ये वाला स्टेप या ये वाला स्टेप, ऊपर वाला. ठीक है बताती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ हेंस प्रूव. एक काम करती हूँ, ये वाला पूरा मैं डिलीट कर दूं. डिस्टेंस फॉर्मूला समझा? यस. डिस्टेंस फॉर्मूला समझा. अभी ये जो है ना, ठीक है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से मैंने एक्सपांड किया. ठीक है, तो मैं लिखती हूँ पहले एक्सपांशन. देखो a इज माय c, तो वो सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ए बी होता है. सो माइनस टू ए कौन है, सी, बी कौन है, ये पूरा बी कॉस ए, और क्या होता है बी स्क्वायर. सो प्लस ये पूरे का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए. तो ये जो मैंने लिखा है
यहां से लेके यहां तक ये इसका एक्सपांशन, ठीक है, इस ब्रैकेट का। अभी इसके बाद बीच में प्लस साइन है, मैंने प्लस साइन डाल दिया, अभी ये क्या है, जीरो, करेक्ट। तो एक्चुअली ये माइनस बी साइन ए का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। जीरो की वजह से हम लोग उसको सिर्फ एक सिंगल टर्म का स्क्वायर किया, तो ये जो है ये इसका है, अभी समझा? Yes. Okay. Yeah. सब लोग, everyone with me? Yes, ma'am. Okay. Wonderful, wonderful. अभी तो ये बस एक ही पार्ट हुआ है, करेक्ट, पार्ट वन। बट बिकॉज ये ज्योमेट्री है और हमें पता है कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल अगर एक एंगल से आपको एक रिजल्ट दे रहा है तो दूसरे एंगल से भी सेम रिजल्ट लेगा, तीसरे एंगल से भी सेम रिजल्ट देगा, करेक्ट। आप बस रोटेट करो, हाँ सिमिलरली आप बस रोटेट करो बी पॉइंट को यहाँ पे लेके आओ ओरिजिन पे, तो बी का हो जाएगा 0.0, ए चेंज हो जाएगा, ए शायद ऊपर चला जाए, सी शायद नीचे आ जाए एक्स एक्सिस पे, तो बस वो पॉइंट चेंज हो जाएगा। आप सब कुछ साइन बी या कॉस बी के तरफ से करोगे, ठीक है, बट वी डोंट हैव टू डू दैट, यू कैन जस्ट राइट डाउन सिमिलरली। एंड नंबर टू एंड नंबर थ्री भी प्रूफ हो जाएगा, ओके। दैट इज देखो, अभी यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा तो फिर बी स्क्वायर लिखो, यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर लिख दिया, कौन बचा, ए और सी, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर लिखा, कौन बचा, ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना तो लिख सकते हो। फिर माइनस साइन, माइनस टू ए सी कॉस बी, करेक्ट। तो जो स्क्वायर किया है वही टू ए सी के साथ लिखो, और जो एल एच एस में था उसका एंगल कॉस के साथ, और कॉस रूल है, कोसाइन रूल है, तो कॉस ही आएगा, साइन नहीं आएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे साइन भी लिख दोगे आदत से मजबूर, कॉस सी, तो दिस इज आल्सो प्रूफ्ड, ओके, दिस इज योर कोसाइन रूल, वेरी इजी एंड वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट आल्सो। बट हाँ, इसमें भी कुछ फॉर्म्स है कि आप अलग अलग फॉर्म्स में इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि अभी सपोज मुझे सिर्फ कॉस ए चाहिए, तो ये जो कॉस ए है इसको मैं एल एच एस में रखती हूँ एक पार्ट, और हर बाकी सारे एलिमेंट्स मैं शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसकी वजह से, एक मैं करके दिखाती हूँ सिर्फ, तो ये है अपने पास, करेक्ट, ये है, मुझे ना कॉस एक साइड पे चाहिए और बाकी सारे टर्म्स एक साइड, तो मैं क्या करती हूँ इसको, ये टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करते, क्योंकि ये माइनस है, मुझे माइनस साइन नहीं चाहिए इसलिए, और ए स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, स्वैप, तो ये माइनस को हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। अभी सिर्फ कॉस ए चाहिए, तो ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, ये यहाँ पे आएगा तो डिविजन फॉर्म में हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, गॉट इट, कैसे आया ये, इकड़े तिकड़े केला, बस इकड़े तिकड़े, और कुछ नहीं, यहाँ वहां थोड़ा सा हर जगह हमने शिफ्टिंग किया है, ठीक है, क्योंकि कॉस को उसकी जगह अच्छी नहीं लग रही थी, ही वॉज लाइक कि नहीं मुझे एल एच एस में रहना है, आई वॉन्ट टू बी द मेन हीरो, तो इसलिए हमको थोड़ा सा शिफ्टिंग करना पड़ा। तो बस नॉर्मल अलजेब्रा, आपको कोई जरूरत नहीं है ये वाले फॉर्मूलेज याद रखने की, बस ये शिफ्टिंग याद रखो, ठीक है, तो मेन जो फॉर्मूलाज है ये तीन फॉर्मूलाज थ्योरम वाले ही याद रखो, बाकी वो तो आप कर ही लोगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे, ओके,
समझा है वंडरफुल वेरी गुड सो नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑन कोसाइन रूल ओके देखो सबसे पहले एग्जांपल है मेरे सामने कि इफ इन अ ट्रायंगल ए इज दिस बी इज दिस एंड सी इज दिस ये ए बी सी क्या दिया है रे साइड साइड यस तो गलती से भी इनको एंगल नहीं लेना आप 30 देखोगे हाँ साइन 30 इज 1/2 ऐसे कर दोगे नहीं वी जस्ट दिस आर द साइड्स स्मॉल है तो साइड्स वी हैव टू फाइंड कॉस इन कॉस 30 ही है वी हैव टू फाइंड कॉस ए कॉस बी कॉस सी ओके वेरी इजी सॉल्यूशन आई विल टेल यू ऑल राइट सो देखो कॉस ए अभी अभी मैंने लिखा यहाँ पे है कि नहीं यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं जो नॉर्मल थ्योरम वाला फॉर्मूला है वो लिखो ठीक है और फिर उससे कॉस ए निकालो क्योंकि कॉस ए फाइंड आउट करना है तो उसको एल एच एस में रखोगे अच्छा पड़ेगा अभी बाकी सब सब्स्टिट्यूट करेंगे ठीक है तो बी स्क्वायर मतलब 24 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर ठीक है अपॉन 2bc so 2 into 24 into 30 okay yes तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ like 24 square is something फिर 30 square minus 18 square मैं आपको पूरा numerator का आंसर बताती हूँ that is 1152 ओके और फिर डिनोमिनेटर का भी आंसर बताती हूँ दैट इज 1440 तो ये है आपका कॉस ए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो ठीक है सिंप्लीफाई यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते रहो जब तक आपको एक रिड्यूस्ड नंबर या रिड्यूस्ड फ्रैक्शन नहीं मिलता सो दैट विल बी अल्टीमेटली 4/5 तो कॉस ए आपको मिलेगा 4/5 ठीक है तो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना कैसे भी करके लॉग टेबल यूज करो या फिर अगर आपका मल्टीप्लिकेशन फास्ट है तो वैसे करो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कैलकुलेटर तो आप यूज वैसे भी नहीं कर सकते एग्जाम में बट आपको प्रोसेस समझा है कैसे यूज करना है ये रूल यस मैम हम ऐसे कॉस बी का और कॉस सी का करेंगे दोनों में फॉर्मूला में लगा हाँ यस वैसे ही कर सकते हो ओके करेक्ट सो कॉस बी और कॉस सी भी वैसे ही कर सकते हो ये मैं आपके लिए रखती हूँ ठीक है अब फाइंड आउट करके देखो क्या मिलता है सेम ये जो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं वो यूज कर सकते हो अगर मैं एक काम करती हूँ ठीक है इसमें थोड़ा सा एडिशन करती हूँ साइन ए साइन बी हम इसमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू हाँ करेक्ट साइन सी वेरी गुड करेक्ट वही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं ओके तो अगर मुझे साइन भी चाहिए तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाएंगे ना कि साइन फॉर्मूला ओके साइन फॉर्मूला कभी यूज करोगे जब भी आपको सारे एंगल्स पता है यहाँ पे सिर्फ कॉस ही पता है ए क्या है नहीं पता दैट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 अभी 4/5 इज नॉट यू नो स्टैंडर्ड वैल्यू तो वो फिर लॉग टेबल से फाइंड आउट करने मत जाओ यू कैन यूज वेरी इजीली द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास दैट इज अगर साइन ए चाहिए सो आई कैन राइट इट लाइक दिस नो 1
माइनस कॉस स्क्वायर ए. यस मैम. सो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ओके कॉस ए आपको पता है ऑलरेडी, वन माइनस फोर बाय फाइव का होल स्क्वायर थ्री बाय फाइव आएगा. या करेक्ट. सो दिस विल बी वन माइनस सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव. तो ये 25 ऊपर लेके जाओ, माइनस 16 बाय 25, दैट इज रूट ऑफ 9 बाय 25. सो आपका साइन ए आ जाएगा 3 बाय 5. ठीक, ये भी एक मेथड है. या फिर और एक एकदम सिंपल मेथड भी है. बताओ ट्रायंगल बनाने के. या करेक्ट. सो आप एक ट्रायंगल बना दो, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, आपको कॉस ए फोर बाय फाइव दिया है, तो यहाँ पे छे तो ए ले लो. तो कॉस ए मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आपका फोर बाय फाइव है. अभी आपको पता है दिस इज पाइथागोरियस ट्रिपलेट, यहाँ पे थ्री ही आएगा. तो साइन ए विल बी थ्री बाय फाइव अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. इससे भी आ जाए तो ऐसे करो चाहे जैसे करो, बट आपको कॉस भी कॉस सी तो इसी फॉर्मूला से निकालना, कोसाइन रूल से. ओके यस मैम. यस मैम. गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. ओके वंडरफुल. ठीक है सो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं. देखो हाँ इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू थ्री सी इज इक्वल टू फोर देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल. मतलब क्या ट्रायंगल कैसे ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, वो तो एंगल होता है ना. बताओ मैम, अगर उसमें एक भी एंगल 90 डिग्री से ऊपर आना तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. या करेक्ट. तो आपको ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल प्रूफ करना है. मतलब क्या कि कोई भी एक एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज. ओके सो अगर सपोज मैं एक ट्रायंगल निकालू, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करते हैं. सो मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही बना. ठीक है, क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? यस मैम. यस. तो इसमें ये जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है. करेक्ट. अभी मैं इसका नामकरण कर देती हूँ. तो ये ए बी और ये सी. तो इसके अपोजिट साइड्स कौन से आएंगे? ए के अपोजिट ये स्मॉल ए, ये अपोजिट सी एंड बी के अपोजिट स्मॉल बी. करेक्ट. ये तो हम इतना तो कर ही सकते, कुछ नहीं दिया होगा फिर भी. क्यों ये किया? क्योंकि मुझे देखो ए बी सी दिया है ना, ए बी सी दिया हुआ है और सी सबसे बड़ा है. तो अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हो तो उसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी. कॉमन सेंस है राइट? अब कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल बनाओ, किसी भी डायरेक्शन में कैसा भी बनाओ, अगर आप यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हो तो उसकी जो अपोजिट साइड है वो सबसे बड़ी साइड होगी एज कम्पेयर टू अदर टू साइड्स. और मुझे देखो ए बी सी में सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है? सी फोर. तो इसलिए मैंने सी एंगल लिया. समझे? तो डायग्राम बनाने के पीछे भी थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे ही रैंडमली नहीं कर सकते. सो सो जो भी लार्जेस्ट साइड होती है, ठीक है, एंगल अपोजिट
टू लार्जेस्ट साइड, ठीक है, ये तो कोई भी ट्रायंगल में होता है, अगर इक्विलैटरल भी है या फिर आइसोसेलस ट्रायंगल है, स्केलीन ट्रायंगल है, जो भी लार्जेस्ट साइड होती है, एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट ट्रायंगल, इज द लार्जेस्ट एंगल, मतलब तीनों में से वो सबसे बड़ा होगा। जैसे कि आप राइट एंगल ट्रायंगल भी देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो मैं सपोज यही पहले वाला एग्जांपल लेती हूँ, 3 4 5, ये ट्रिपलेट, तो इसमें 5 ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज से सबसे लंबी होती है हर ट्रायंगल में, राइट? यस मैम। और इसके अपोजिट एंगल होता है 90, अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली ये और ये 90 से कम ही है, ये कुछ भी होने दो बाकी, बट ये तो 90 रहेगा, मतलब हमेशा किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड लार्जेस्ट है, एक सबसे ज्यादा बड़ी साइड है, तो उसके अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा, तो ये याद रखना हमेशा किसी भी ट्रायंगल में, ये सच है। यस, सो हमको क्या प्रूव करना है कि यहाँ पे तो ए भी लार्जेस्ट मैंने बनाई है, दैट इज साइड सी, देयरफॉर सी इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये जस्ट हम हमारे लिए लिख रहे हैं कि हियर ए बी is the largest side, therefore C is the largest angle. Okay, now अभी ये largest angle obtuse angle है, ये आपको prove करना है, ठीक है, to show that C is obtuse, okay, C is obtuse. तो मैं क्या करती हूँ, मुझे C angle अगर measure मिल गया, ठीक है, C angle का अगर मुझे measure मिल गया तो easily हो जाएगा, obtuse है कि acute है कि 90 degree है, आराम से पता चल जाएगा, है कि नहीं? Yes, yes, yes. And मेरे पास A, B, C तीनों options है, ठीक है, A, B, C तीनों options. अभी ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है या फिर कहीं पे भी आता है, तो आपको ऐसे थोड़ी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएगा, ये तो मिक्स आएगा कहीं पे भी, तो हाउ विल यू डिसाइड कि साइन रूल अप्लाई करे या कोसाइन रूल अप्लाई करे या कोई और नया रूल अप्लाई करे जो हम बाद में भी सीखेंगे इस चैप्टर में, हाउ विल यू डिसाइड? ओके, सी आई वॉन्ट कॉस सी, सॉरी आई वॉन्ट एंगल सी, मेजर एंगल सी मुझे चाहिए. इसके बहुत सारे तरीके, एक तो साइन रूल, कोसाइन रूल, फिर और भी जो बाकी के रूल्स हम लोग पढ़ेंगे वो सारे भी है. तो कोसाइन रूल में तीनों साइड्स आते ही है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ठीक है. अगर मैं साइन सी मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट साइन बी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं एटलीस्ट इतना यूज कर सकती हूँ, यस और नो, एंड देन आई कैन फाइंड आउट साइन सी. तो मेरा तो काम बढ़ गया ना, साइन सी बी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो क्यों करूं मैं बी भी फाइंड आउट, नहीं चाहिए मुझे. सो साइन रूल कट, साइन रूल को बोलो नहीं आप नहीं चाहिए. कोसाइन पे आते, कोसाइन पे क्या मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे मैं कॉस सी फाइंड आउट करूं और मुझे कोई दूसरा एंगल ना फाइंड आउट करना पड़े, ए बी सी से काम चल जाए, सिर्फ ए बी सी से काम चल जाए, ऐसा फॉर्मूला है कोसाइन रूल में? Yes. हाँ, है, राइट? जो एंगल्स है ये वाला फॉर्मूला हम आराम से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरा एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, B एंगल या A एंगल आई डोंट हैव टू फाइंड, जो स्मॉल ए बी सी दिया है उसी से काम चल जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाई इन सच सम्स आई विल बी यूजिंग कोसाइन रूल. समझा? यस मैम. बाकी के रूल्स के बारे में मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि वो रूल्स ही पता नहीं है अभी तक हमको, इसीलिए. सो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड
कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज आने वाले हैं आपके पास इस चैप्टर में. सो कंफ्यूज होना तो बनता है, राइट? सो आई एम यूजिंग कॉस सी वाला फॉर्मूला. देखो अभी ट्राई करते हैं ये फॉर्मूला विदाउट सीइंग लिखने का. तो कॉस सी है, राइट? तो यहाँ पे लास्ट में सी स्क्वायर आए, समथिंग प्लस समथिंग माइनस सी स्क्वायर, ये तो पक्का है. तो ये जो समथिंग प्लस समथिंग है इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आएगा, नीचे भी टू ए बी आएगा, राइट? तो इसको ऐसे याद रखेंगे हम. पैटर्न याद रखो बस, पैटर्न. नाउ सब्स्टिट्यूट करो. तो ए आपका टू है तो ये फोर हो जाएगा, प्लस नाइन माइनस सिक्सटीन अपॉन टू इंटू थ्री, करेक्ट? तो फोर प्लस नाइन माइनस सिक्सटीन विल बी माइनस थ्री, वन बाय फोर. या करेक्ट, वेरी गुड. सो कॉस सी मिलेगा माइनस वन बाय फोर, परफेक्ट परफेक्ट. अभी कॉस ऑफ माइनस, तो ये देखो ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में किया था, करेक्ट? कॉस माइनस कहाँ पे होता है? 120 डिग्री आएगा. अच्छा, वन बाय फोर, नहीं नहीं, कैसे 120 डिग्री? 1 बाय 4 स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? नो मैम. नो, फिर हम कॉस 60 मैम, इसको पहले माइनस साइन हटा देंगे फिर हम लोग. हाँ राइट, माइनस साइन हटाना है हमें. तो यस, तो माइनस साइन हटाने के लिए मैं सी को, अभी देखो सी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय फोर, ठीक है? सी चाहिए ना मुझे, सी के लिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ. अभी आपको पता है कॉस ऑफ एनी निगेटिव एंगल और कॉस इनवर्स ऑफ एनी निगेटिव एंगल इज माइनस, बाहर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय फोर, ऐसे हम लिख सकते हैं. तो अभी माइनस एन एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसको 180 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय फोर करते हैं, ठीक है? तो ये एडजस्ट हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि माइनस एंगल नहीं हो सकता ना, आपको एंगल तो पॉजिटिव ही मिलेगा, इसलिए. अभी कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय फोर आप लॉग टेबल से निकाल सकते हो इजीली. यस, नहीं आता. ओके, तो वो हो जाएगा और उसको 180 से माइनस करो. मैम वो बताओ ना कैसे निकालते हो, नहीं आता. ओके, मुझे लॉग टेबल लाना पड़ेगा रे, मेरे पास अभी नहीं है. अच्छा एक काम, हम लोग cos 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. नहीं, क्योंकि देखो cos स्क्वायर नहीं है ना यहाँ पे, तो आप होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हो? मेन एंगल में भी स्क्वायर चाहिए इसीलिए. अच्छा एक काम करती हूँ मैं, आप वैसे भी दो मिनट का ब्रेक ले लो, तब तक मैं लॉग टेबल लेके आती हूँ. ऑलराइट? यस मैम. ओके, यस, हेलो एवरीवन, कैन हियर मी? यस मैम. ओके, फिलहाल मुझे नहीं मिल रहा है, बट आई विल टेल यू कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं टिल द नेक्स्ट क्लास. राइट नाउ आई विल राइट डाउन द आंसर जो आता है 104.47 के आसपास डिग्रीज, ठीक है? तो ये आता है आंसर. कई बार ना ये जो वैल्यू होती है, सिर्फ ये एक ही वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू भी क्वेश्चन में दे देते हैं कि हाँ कॉस इनवर्स ऑफ दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू. तो मेनी टाइम्स वैल्यूज आर गिवन, बिकॉज मैथ्स में हम लोग ज्यादातर लॉग टेबल यूज नहीं करते. ओके, सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वैल्यू दे देंगे, या फिर आई विल टेल यू कि हाउ टू फाइंड आउट इट. बट फॉर नाउ हैव यू अंडरस्टूड दिस सम? हमारा सी एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री से ऊपर आ चुका है, तो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट? यस यस. सो दिस इज obtuse, hence proved up. Okay, great. Okay, now और एक form, हाँ अभी ये वाला जो है
ये बढ़िया समय ठीक है। हाँ इसमें हमें यूज करना है लगा देंगे। हाँ हमें एक्चुअली दोनों करना है, साइन एंड कोसाइन दोनों, मजा आने वाला है ठीक है। देखो हाँ एकदम बढ़िया समय ये वाला, अभी आपको समझेगा कि एक्चुअली हम दोनों फॉर्मूले कैसे यूज कर सकते। हम cos यूज करके sin निकालेंगे, sin से हम लोग ने circumradius निकाला। Yes, correct. तो देखो क्या करना है basically, triangle में आपको एक angle दिया है, तो ये जो A है ये 60 degrees है इस बार, capital A. Degrees radians नहीं दिया होगा तो आपको खुद समझना है, capital A बोला है और 60 बोला है तो वो obviously degrees होगा। B is C, B is 3, C is 8, तो ये sides है और आपको ए फाइंड आउट करना है जो कि स्मॉल ए है साइड। ओके ऑल्सो फाइंड द सर्कम रेडियस आर ऑफ द ट्रायंगल। ओके सो पहले तो मुझे, मैं फोकस करूंगी कि स्मॉल ए कैसे फाइंड आउट करें। तो कोसाइन रूल में हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पे स्मॉल ए बी सी आता है और ये भी आता है ठीक है 60, तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ठीक है। मैं पहले ही साइन रूल क्यों नहीं यूज कर रही, क्योंकि देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे साइन ए है तो ए अपॉन साइन ए यूज करके, और बी भी है सी भी है, बट मेरे पास साइन बी नहीं है, साइन सी नहीं है और आर भी नहीं है, तो बस इतनी सी, इतना ही है मेरे पास, तो इतनी सी इंफॉर्मेशन से मैं ए फाइंड आउट नहीं कर सकती ठीक है। तो पहले हाँ बोलो ना, वो साइन ए को हम लोग साइन 60 लिख देंगे और फिर उसके बाद ए तो नहीं है लेकिन सी है ना। हाँ तो नहीं नहीं मिल गया, नहीं होगा ना, वही तो देखो ये ए भी क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, सिर्फ साइन ए है आपके पास, बी है और सी है ठीक है, तो ए कैसे फाइंड आउट करोगे, एटलीस्ट कुछ तो चाहिए था मुझे एक और एंगल, तभी साइन रूल यूज कर सकते थे। तो पहले ही हम लोग साइन रूल यूज नहीं कर सकते, साइन रूल यूज करना है बट बाद में, पहले हम यूज करेंगे कोसाइन रूल ठीक है। कोसाइन रूल कौन सा वाला, वो भी ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए वाला ठीक है। तो अभी मैंने ये यूज किया, अभी मुझे फाइंड ए करना है तो LHS में ऑलरेडी ए है तो इट विल बी इजियर, दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8 एंड cos 60 कितना है 1/2, वेरी गुड। सो ये लिखती हूँ मैं 9 प्लस 64 माइनस 2 3 जा 8 42 ओके सो ठीक है 42 एंड ये है 1/2 तो ये आ जाएगा 24 ठीक है, दैट इज 9 प्लस 73 माइनस 24 49 ए स्क्वायर आ गया, तो ए इज इक्वल टू 7 आ गया ठीक है। अभी आप एकदम इजीली यू कैन फाइंड आउट सर्कम रेडियस। सो नाउ यहाँ पे लिखना है बाय कोसाइन रूल, ये भूलना नहीं है। एंड नाउ बाय साइन रूल क्या लिख सकते हैं, तो आप कोई भी ले लो तीनों में से, बट मैं जो मेरे पास है ऑलरेडी ए अपॉन साइन ए इक्वल टू आर, इतना इनफ है कि नहीं? यस मैम। बी लेने की जरूरत नहीं है, सी लेने की जरूरत नहीं, फिर बाद में साइन भी साइन सी नहीं है अपने पास, तो एक्साइटमेंट में आके पूरा फॉर्मूला मत लिखो, लिखना है तो लिख सकते हो बट यूज सिर्फ इतना ही करना है ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में कितना फॉर्मूला, कितना परसेंट फॉर्मूला यूज करना है वो भी आपको ही सोचना है ठीक है। नाउ दिस इज 7, साइन ए इज साइन 60 विल बी रूट 3/2 करेक्ट,
एंड दिस इज आर, बस आ गया आपका आंसर. सॉरी दिस इज टू आर, कोई बोल भी नहीं रहा मुझे, गलत लिखा तो भी टू आर है ना ये. Yes, ma'am. अभी ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गो इन द न्यूमरेटर, रूट थ्री इक्वल्स टू टू आर, तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, देयरफॉर तुम्हारा आर बचेगा सेवन बाय रूट थ्री, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेवन रूट थ्री बाय थ्री. ओके सो आर इज दिस, समझे कैसे यूज करना है साइन और कोसाइन दोनों एक ही सम में. यस मैम. ओके वंडरफुल वंडरफुल. राइट नाउ आई हैव सम एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है आई नो हम लोग एमसीक्यूज डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते हैं, बट व्हाई नॉट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सम्स लगे हैं मुझे, इसीलिए मैंने इनको यहीं पे ले लिया. ठीक है चलिए ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू सी इट फर्स्ट. पहले ये वाला क्वेश्चन रीड करो, समझो क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, और फिर मुझे बताओ. मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ टू यू नो थिंक अबाउट इट. मैम एंगल का रेशियो दिया है तो फिर मतलब साइन ए साइन बी कर साइन सी का रेशियो दिया, फिर उसके बाद अपने को साइड्स का रेशियो फाइंड करना. ओके करेक्ट. यस यस करेक्ट करेक्ट. सो साइन रूल में मैंने एक जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल बताए थे उसमें एक रेशियो वाला भी बताया था ना, लास्ट फिफ्थ पॉइंट था शायद. हाँ तो वही कुछ यूज करना है, बट उससे पहले देखो द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अ रेशियो. ये जो एंगल है ये एंगल का रेशियो है, ना कि साइन ए साइन बी साइन सी का रेशियो. यहाँ पे ऐसा बोला है कि साइन ऑफ एंगल कंसीडर करेंगे x plus फिर 2x plus plus 3x is equal to 180 degree. उधर से हम लोग का x मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे a एंगल b एंगल c एंगल मिलेगा. वेरी गुड. यस यस करेक्ट. तो एक्चुअली ये है एंगल का रेशियो. सो रेशियो of angles is 1:2:3. ठीक है तो let first angle be x, जो सबसे छोटा वाला है जो 1 के corresponding है वो x है, तो therefore others will be 2x and 3x. ठीक है तो हम बस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x तो है ही, 2x और 3x आ जाएगा. Now we know sum of all angles of a triangle is 180 degrees. Correct. So x plus 2x plus 3x equals to 180. X कितना आया? 30. Correct. Correct. Very good. So x is 30. Option A. Perfect. Very good. X is 30. 2x is 60. And 3x is 90. So 30, 60, 90 triangle hai. Isko pakad lo A. ठीक है एंगल ए, इसको पकड़ लो एंगल बी, इसको पकड़ लो एंगल सी. आपके हिसाब से आपको जैसा चाहिए वैसे कर सकते हो, नॉट कंपल्सरी कि यही सीक्वेंस में लेना है. ठीक है एबीसी मिल गया. नाउ फ्रॉम साइन रूल, ओके साइन रूल में मैंने ये भी बताया था कि ए इज टू बी इज टू सी, जो साइड्स है वो एंगल्स भी रेशियो में आते हैं. साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी. अभी ए बी सी आपको पता है, कैपिटल ए बी सी दैट इज साइन 30 इज टू साइन 60 इज टू साइन 90. ओके तो साइन 30 इज 1/2, दिस इज रूट 3/2,
एंड दिस इज वन. ये आपने लिख दिया. अभी आप जाओगे क्वेश्चन में, देखोगे कि अरे डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो. टेक द एलसीएम, मतलब मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो. वन इज टू रूट थ्री इज टू टू, करेक्ट. वन इज टू रूट थ्री इज टू टू, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ई. ओके, तो ये काइंड ऑफ सम्स कम लॉट अ लॉट. ठीक है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रेशियोज वाले. ओके, सो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बोर्ड्स में भी जो थ्योरी पेपर होता है उसमें भी तो कुछ एमसीक्यूज आते हैं ना. यस मैम, स्टार्टिंग में रहते हैं. हाँ, स्टार्टिंग में होते हैं, तो देर आर फ्यू एमसीक्यूज, तो उसमें भी ये टाइप पूछ सकते हैं. सो ऐसे मत सोचो कि आई एम नॉट यू, सम पीपल आर नॉट गिविंग द एंट्रेंस, तो उनको एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव एटलीस्ट बेसिक एमसीक्यूज तो होने ही चाहिए. सो दिस इज ऑप्शन ए. इसको मैं एज अ थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ. सो ऑल द वेज इट कैन बी आस्क्ड. नाउ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वाले के बारे में आप भी सोचो. Yes. कुछ देखो, पहले तो क्वेश्चन समझा कि नहीं ये बताओ. मैम अगर हम लोग इसका सी साइड निकालेंगे ना, फिर उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल का, अगर कोई भी दो साइड का समीशन करके थर्ड साइड का ग्रेटर आता है ना, तो उधर से ट्रायंगल है कि नहीं वो मिल जाएगा हम लोग. ओके, ठीक है. हाँ, क्योंकि देखो ऑप्शंस में हमको बोला है कि नो ट्रायंगल इज पॉसिबल, वन ट्रायंगल इज पॉसिबल, ये वो सब कुछ, राइट. टू ट्रायंगल्स आर पॉसिबल. तो दिया क्या है आपको, ए दिया है, बी दिया है, साइन ए दिया है, सॉरी ए दिया है, ठीक है, 45. एंड देन नो ट्रायंगल इज पॉसिबल, वन ट्रायंगल इज पॉसिबल, टू ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, एंड आइदर नो ट्रायंगल और टू ट्रायंगल्स आर पॉसिबल. तो ये सारी चीजें बताइए. ओके, ऑलराइट. So we are going to solve it using sine rule. ठीक है, क्यों sine rule इस बार, क्योंकि अगर मैं sine b या फिर b angle निकालूं, तो मुझे at least दो angle और दो side पता है, तीसरा side और तीसरा angle भी मैं निकाल सकती हूँ very easily. करेक्ट, यहाँ पे मैं कोसाइन रूल नहीं निकालूंगी या फिर कोसाइन रूल नहीं यूज करूंगी. वाई, बिकॉज कोसाइन रूल आप तभी यूज कर सकते हो जब भी आपके पास तीनों साइड है, ए बी सी, स्मॉल ए बी सी. यहाँ पे यू हैव ओनली टू, सो यहाँ पे वी कैन यूज साइन रूल. सो बाय साइन रूल आई एम गोइंग टू राइट डाउन ए अपॉन, मैम ऑप्शन ए, या करेक्ट. कैसे आया, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है बाय साइन रूल से. हाँ, बट क्यों, बोलो. अच्छा, आपने ये सॉल्व किया होगा तो आपको कुछ तो साइन बी का वैल्यू क्या आया, 3/2 से ग्रेटर. हाँ, करेक्ट करेक्ट, यस. ठीक है, हाँ, तो ऐसे एक्सप्लेन करने आना चाहिए. हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो.
सो ये हम लोग निकालने वाले हैं. अभी यहां से मुझे साइन बी चाहिए. तो ए इज 2 साइन 45, दिस इज 6 एंड साइन बी. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर साइन बी इक्वल्स टू 6 मोर 2√2 इज ए वाला साइड. हाँ राइट. साइन 45 इज 1/√2 करेक्ट. ओके सो ये √2 हो जाएगा 2 2 2 4 6/4 आ गया, दैट इज 3/2. तो बी आपको चाहिए साइन इनवर्स ऑफ 3/2. अभी जैसे कि बोला साइन इनवर्स ऑफ 3/2 मिलेगा क्या रे, 3/2 की वैल्यू देखो. हाँ बोलो मैम. वो अगर 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा और साइन का रेंज 1 से ज्यादा जाता नहीं है. यस करेक्ट करेक्ट. वही है, वही रीजन है कि दिस इज नथिंग बट b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1.5. तो 1.5 ये वैल्यू आएगा ही नहीं. All the sine values are between, see sine theta is between 1 to minus 1. Correct? तो अगर इसके ऊपर जा रहा है मतलब this is angle is not possible. Therefore, triangle is also not possible. Ma'am. Yes. Ma'am, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, साइड से तो दिया ही नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा. दिया नहीं है मतलब होगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी है. देखो हमेशा तीनों साइड्स आपको दे देंगे, इसका भी कंपलसरी नहीं है. ठीक है, कोई भी एक साइड देंगे, कोई भी दो साइड देंगे, राइट. जैसे कि हमने यहाँ पे किया था ना ये वाला सम, देखो यहाँ पे भी तो बी और सी नहीं दिया था और ए नहीं दिया था, बट ए हमने फाइंड आउट किया. करेक्ट. यस हाँ, तो एंगल से ही समझता है कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है. अगर एंगल ही फॉर्म नहीं होगा तो ट्रायंगल भी फॉर्म नहीं होगा. ओके सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे साइन इनवर्स ज्यादा आ गया 1 से, बिकॉज साइन का वैल्यू जाएगा ही नहीं बियॉन्ड 1. दैट इज वेरी गुड. जिसको भी सबसे पहले जिसने सॉल्व किया, वेरी गुड वेरी गुड. ओके परफेक्ट. तो समझा है साइन एंड कोसाइन रूल, और भी समझा है. ठीक है, आप अभी जिसको भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया है, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.2. और 3.1 में भी जो जो बाकी सम्स है, मैंने एक दो सम्स स्किप किए होंगे, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट वो बहुत ही इजी सम्स है, इसलिए आई हैव स्किप्ड, राइट. ओके सो जस्ट अ मिनट.